हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ऑनलाइन मत बोलो, इसको रिकॉर्डेड वीडियो बोलो। रिकॉर्डेड वीडियो में सर हम लोग अभी चला रहे हैं ऑप्टिक्स। क्या चला रहे हैं दोस्त? ऑप्टिक्स, हिंदी में प्रकाशिकी। और इसके पीछे चार लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। अब चार लेक्चर जब हम लोगों ने अपलोड कर रखा है तो सर पांचवा लेक्चर क्या होने वाला है? और पिछला वीडियो में मैंने ये बात बताई भी थी आपको, पांचवा वीडियो होने वाला है आवर्धन का, कि दर्पण से आवर्धन कैसे उत्पन्न होता है, आवर्धन होता क्या है और आवर्धन पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं दोस्त। तो चलिए, आज आवर्धन होने वाला है। और आप लोग टेंथ क्लास में भी, जहां तक मुझे भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप टेंथ क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने टेंथ क्लास में नहीं देखा होगा। आवर्धन जो है टेंथ क्लास में आप लोगों को जरूर मिला होगा। आइए, पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है आवर्धन। जहां पर देख रहे हो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। कभी कभी ऐसा देखा तुमने कि होती चुकी चीज बा, अब फोटो बन गई, होता होता जूम कर लो, जूम। अरे नहीं कर लो, जूम कर। तो जूम जब करते हैं आप, तो क्या होता है, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब आप बड़ा कर देते हैं, कभी कभी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब आप छोटा कर देते हैं। तो प्रतिबिंब का बड़ा करना या छोटा करना, यही तो आवर्धन है भाई मेरे। यही बस पता करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितनी बड़ी है, वस्तु की तुलना में कितनी छोटी है, यही चीज आवर्धन बताता है। क्या है आवर्धन? आवर्धन क्या है? गोवर्धन का है आवर्धन। आवर्धन सुनो, आवर्धन क्या है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब, क्या, कोई वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के आकार से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, ये वाली जो चीज है ना, यही आवर्धन होती है। आवर्धन क्या बताता है? आवर्धन सर एक गुणक है। आवर्धन क्या है? एक गुणक है। आपको ये बताएगा कि जो सर आपका फोटो बना है ना, वो आपकी वस्तु का इतना गुना बड़ा है और चाहे इतना गुना छोटा है। बस सर समझ गए हम। तो देखो, जैसे लो मान लिया हमने, ये देखो ये कोई दर्पण होगा, अवतल है। मान लो कि यहाँ पर एक वस्तु बनी, डिंग 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 डिंग, ये वस्तु ओ है। और इस वस्तु का फोटो कहीं बना दूर, जैसे मान लो यहाँ ये आई है। तो अब देखो, मैं बोलूंगा कि अगर ये 2 मीटर और इसका प्रतिबिंब बन गया 6 मीटर का, तो बता दो कितना गुना बड़ा बना। सीधा लगता है 2 मीटर ही 6 मीटर, 2 × 3 = 6, 3 गुना ज्यादा बड़ा बनल बा, तो 3 गुना बड़ा बनल बा। तो तू कह दिया कि एजा आवर्धन 3 होई, आ आवर्धन के हमनी के सूचित कर ले जा छोटका एम से। का से हो? छोटका एम से। तो देखो एम बराबर यहां पर एम बराबर हो जाएगा 3। कैसे आया? हमको नहीं समझ में आया। हमको बताइए कैसे आया? कुछ नहीं है मेरे भाई, एम निकालना ना, आवर्धन निकालना तुमको ना। आवर्धन कैसे निकालोगे? आवर्धन अगर निकालना है तो ये पता करो कि प्रतिबिंब कितना गुना है। तो प्रतिबिंब 6 है, 6 ले लो। आ कितना वस्तु था? 2 था, कटा दो, कितना आ गया? 3 आ गया, एम आ गया 3, आवर्धन 3 गुना। तो हमने क्या किया है, प्रतिबिंब का ऊंचाई ले लिया है और उसके बाद वस्तु की ऊंचाई ले लिया, अब भगया दिया है और जो रिजल्ट आया वही आवर्धन है। समझे गोवर्धन? क्या है आवर्धन? आवर्धन क्या है, इसको आप अगर फिजिक्स की भाषा में, हमारी भाषा में अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो फिजिक्स की भाषा में ही बोल लीजिए। कैसे बोलिएगा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये 6 मीटर का है भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये 2 मीटर का है भैया, ये वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे लल्ला मोरे? आवर्धन कहेंगे लल्ला मोरे। ठीक है लल्ला मोरे सर, तब लिखवा दीजिए सर इसको। ठीक है भैया, लिखवा देते हैं। देखिए सबसे पहले आवर्धन क्या है, यह परिभाषा, बहुत लोग कमेंट करते हैं सर परिभाषा लिखवा दीजिए, लिखो। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे, आई से। तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। ऊंचाई का क्या होता है? अनुपात होता है। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा हूं हकारी नहीं मारना है, बहुत आसान है। किससे डिनोट करेंगे?
एम से। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। नीचे लिख भी सकते हो ऐसा डैश मार्क, इसे एम से दर्शाते हैं, है ना। चलिए अब एम बराबर कितना प्रतिबिंब की ऊंचाई, एम बराबर क्या दोस्त प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में क्या सर वस्तु की ऊंचाई, क्या सर वस्तु की ऊंचाई, समझ गए भैया? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई मिलेगा तुमको आवर्धन। अब एक बात बता दो, एक बात बता दो तुम, इसका सूत्र क्या होता है तुम पता चल गया तुमको, ऐसा ही मात्रक क्या होता है बता दो। अरे भैया ऊंचाई बटा में ऊंचाई, ऊंचाई का मीटर इसका मीटर, मीटर से मीटर खचाक, और मीटर से मीटर जब खचाक हो गया तो इसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होगा। तो ये जो होता है आवर्धन बीमाहीन होता है, साथ ही साथ मात्रकहीन होता है, साथ ही साथ मात्रकहीन, हीन हीन माने नहीं होना, हीन मात्रकहीन, मात्रक नहीं है, बीमाहीन बीमा नहीं है, है ना। तो जब भी देगा आवर्धन तीन देगा, चार देगा, पांच देगा, छह देगा, है ना। क्लियर है? पॉज करके छाप लो। छाप लिया तो कुछ बढ़िया कंसेप्ट सिखा देते अभी इसको। अभी देखो लोग फंसते कहां है, जैसे आप लोग प्रतिबिंब बनाए थे ना दोस्त, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे। अक्सर ऐसा होता है कि वस्तु ऊपर होती है प्रतिबिंब नीचे बन जाता है, और ऐसा तभी होता है जब वस्तु वास्तविक बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनती है? वास्तविक एवं उल्टा। बबुआ प्रतिबिंब वस्तु ऊपर है, वस्तु कहां है? ऊपर, और प्रतिबिंब कहां बन गया? नीचे। इसी को तो बोलते हैं उल्टा, और जो उल्टा होता है वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने तो एम बराबर आई बाई ओ, तो सुने हो ना, आई कहां है? नीचे, यहां नीचे, तो आई नीचे है तो निगेटिव में ले लोगे, और ये ओ कहां है? ऊपर। तुम तो पढ़ो ना भाई, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये आई माइनस में है, ये आई कहां है? नीचे है, तो आई निगेटिव हो जाएगा, और ओ ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो भैया यहां पर जो एम आएगा ना वो अब निगेटिव आएगा, तो आप यहां से दिमाग में बिठा लो कि जब भी तुमसे बोले कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, मतलब आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक। याद रखना इस बात को, न्यूमेरिकल में बहुत काम देने वाला है। अगर ये गया खलास, है ना, वास्तविक उल्टा, समझ ले भैया आवर्धन ऋणात्मक होगा। वास्तविक उल्टा, समझ ले भैया आवर्धन ऋणात्मक होगा। वास्तविक उल्टा, समझ ले भैया आवर्धन ऋणात्मक होगा। बस आगे देखो दूसरा केस कि वस्तु ऊपर ही है प्रतिबिंब भी इधर ही बन गया, वस्तु है प्रतिबिंब है। यहां पर जब तुम आवर्धन निकालोगे, मतलब कि ऐसा सीधा है, और सीधा कब बनता है? जब आभासी होता है, जब आभासी होता है तभी ना सीधा बनता है। तो जब आभासी और सीधा बनता है तब देख लो, आभासी और सीधा बनेगा आई बाई ओ, दोनों तो ऊपर ही है, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो पॉजिटिव है। अब आटा में पॉजिटिव मतलब जो भी आएगा वो आएगा पॉजिटिव, तो भाई मेरे आवर्धन यहां पर धनात्मक। जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने, जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने, कैसा बने? आभासी और सीधा। तो ऐसे हालत में, ऐसे हालत में हम लोग बोलेंगे कि हमारा एम जो है क्या है दोस्त? पॉजिटिव है। यहां क्या है? एम पॉजिटिव है। सर वहां वीडियो में जो भी होगा वहां पे एक ब्लू कलर का जल रहा होगा, देखते रहिएगा। आभासी होगा और सीधा होगा, समझ गए बात को? तो यहां पर देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण से उत्पन्न आवर्धन में दो तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, या तो वास्तविक और उल्टा होगा, अवास्तविक और उल्टा होगा तो आवर्धन ऋणात्मक, आभासी और सीधा होगा तो आवर्धन धनात्मक। क्लियर है? ओके दोस्त, तो चलिए इसको हम लोग कर चुके। अब इसको करने के बाद अब बारी है आगे की। अब जो बारी हमारी आगे की है प्यारे दोस्त, वो आप यहां पे देख सकते हो। यु तथा भी के पद में हम लोगों को आवर्धन सूत्र देखना है। यु तथा किसके पद में? भी के पद में आवर्धन सूत्र हमें देखना है। ये तो आप लोग, मतलब ये साबित करना है कि जो हमारा एम होता है ना वो माइनस भी बाई यू के टर्न होता है। ये वाला चीज मुझे प्रूफ करना है। ये वाली चीज मुझे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। और जब मुझे ये वाली चीज प्रूफ करनी है ना, तो मैं अभी देखता हूँ इसको कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। ये मैं एक ले लिया, देख लो यहाँ पे, ये मैंने एक ले लिया क्या अवतल दर्पण, यहां पर मैंने भेज दिया एक प्रधान अक्ष पी है, ओकरा बाद हम का करम कि हई हटुए हमार सी, हई हटुए हमार एफ ना हो,
हाँ एफ है, एफ है। और यहां पर हमने एक वस्तु रख लिया दोस्त, आप तो जानते हैं कि इस वस्तु को हम ओ बोलेंगे, वस्तु की ऊंचाई को। किरण हमने भेजा, किरण टकरा के गई फोकस से, किरण टकरा के कहां चली गई, फोकस से। अब देखो, अब दूसरी जो है बात हम लोग करेंगे, दूसरी बात हम लोग ये करेंगे दोस्त कि यहां से भी सी से भी भेज सकते हैं और भेजेंगे भी। सी से भेजा और ये देखो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, ये सी से जाएगा और फिर उसी पथ पर वापस भी आ जाएगा। प्रतिबिंब कहां बना दोस्त, यहां ये बना ये, और आप इसको बोल सकते हो बबुआ, इसको बोल दोगे आई, क्या बोल दोगे इसको, आई सर, इसको हम आई बोल देंगे। और एक काम और कर लेते हैं दोस्त, यहां से भी अगर मुझे भेजना होता पी से तो भेज देंगे और ये यहां से कट जाएगा, अगर ऐसा जाता तो ऐसे ही जाता ना, सिंपल सी बात है। तो अब तुम क्या देखोगे, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए डैश, इसको बोल दो बी डैश, और ये हमारा पी है ही। आपके पास दो दो त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज ध्यान से देखिएगा तो आपको त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज आपको दिखेगा ए बी पी, दिख रहा है ए बी पी, ये वाला ट्र, ट्र, ये वाला एंगल तुम्हारा, ये वाला ऐसे गया और ऐसे आ गया, मतलब कि ये वाला एंगल आई है आर है। तो आप एक एंगल आपका हो गया ए बी पी और दूसरा हो गया ए डैश बी डैश पी, एंड ए डैश बी डैश पी। देख लो एक ट्रायंगल, देखो हम दिखा देते हैं यहां पे दिखा देते हैं, ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ए ए बी यहां पी, ये वाला ये ट्र 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 है ना, यहां पे मैंने बोला कि ये आपका आई है, यहां पर ये 90 डिग्री है। जस्ट इसके नीचे देखोगे ना तो ये किरण आई है इधर, ये वाली किरण थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम इसका, और मैं बोलूंगा कि ना, और यहां से ये ऐसे गिरा हुआ है, आपने इसको ओ बोला है, ये वाला आई है ना, ये वाला 90 है, तो ये भी 90 है, इसका नाम हम दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वही वाला चीज मैंने ये वाला और ये वाला कट करके यहां पे कर दिया। तो ये आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि आई और आर दोनों आपस में एंगल बराबर, दूसरी बात कि एंगल ए जितना है उतना ही एंगल ए डैश भी है, इच एंगल 90 डिग्री। तो अब दो एंगल किसी भी एक दो ट्रायंगल के दो एंगल जब बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल जो है ना एकदम, मतलब इसको बोल सकते हो ना कि ये दोनों सर्वांग सम है ना, ए बी पी ट्रायंगल सॉरी समरूप है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग बराबर हो जाए, ऐसा नहीं समरूप है, क्या ये सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो क्या होता है, सिमिलर होने पर क्या होता है भाई, संगत जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाएं मतलब कि यहां पर ए बी है तो यहां पर एडेस बीडेस है, तो एक काम करो एडेस बीडेस बटा में ए बी, एडेस बीडेस बटा में ए बी बराबर है ना, बराबर। इसका संगत भुजा एडेस पी, एडेस पी यहां पर देख लो, इसका एडेस बीडेस संगत, इसका एडेस पी तो इसका संगत ए पी। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहता हूं दोस्त कि ये ए बी है वस्तु और पी से ए की दूरी जो है वस्तु की दूरी है, मतलब कि ये वाले जो चीज आप देख रहे हैं ए पी, ये ए पी को हम यू बोलेंगे, क्योंकि यू लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू, क्योंकि ए से पी की दूरी वस्तु की दूरी है, लेफ्ट साइड में है माइनस यू। उसी प्रकार ए डैस पी जो आप देख रहे हैं, ए डैस पी जो देख रहे हैं, ए डैस पी यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये पी से ए डैस की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, भी बोलेंगे लेफ्ट साइड में है माइनस भी। बबुआ अब देखो वहीं पर हमने क्या बोला, ए पी ए पी माइनस यू, ए डैस पी माइनस बी, अब ए डैस बी डैस, ए डैस बी डैस ये तो आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ए डैस बी डैस क्या है दोस्त, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आप बोल सकते हो कि सर ए डैस बी डैस जो है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई आई है, चूंकि नीचे है तो हम माइनस आई बोलेंगे, और वहीं पर ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है, ऊपर है तो हम इसको ओ बोलेंगे। अब इन सभी वैल्यू को यहां रखो ना, ए डैस बी डैस की जगह कितना रखोगे, ए डैस बी डैस की जगह माइनस आई, माइनस आई बटा में ए बी, ए बी की जगह पर ओ बराबर, ए डैस पी की जगह पर माइनस भी बटा में एपी के जगह पर एपी 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 माइनस यू माइनस, ये देख ये खत्म हो गया बाबू का माइनस माइनस, ये माइनस कूद जब इधर माइनस खत्म हो गया ना, तो माइनस आई बाई ओ बराबर भी बाई यू। एक काम करना भैया, ये माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आई बाई ओ बराबर भी बटा यू, और ये माइनस इधर आ गया, माइनस उधर जाएगा, प्लस मत कर देना,
गुणा में है, माइनस का माइनस हो जाएगा। आई बाई ओ कितना होता है? अभी अभी मैंने पिछले क्लास में अभी पिछले बोर्ड पे मैंने यही पढ़ाया था, आई बाई ओ क्या होता है? एम, और एम बराबर आ गया माइनस भी बाई यू। देख मेरे लल्ला, साबित हो गया क्या? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे देखो, m बराबर माइनस भी बाई यू, याद रख लो, m बराबर माइनस भी बाई यू दर्पण के लिए, m बराबर माइनस भी बाई यू दर्पण के लिए, m बराबर माइनस भी बाई यू दर्पण के लिए। माइनस हटा दोगे लेंस हो जाएगा, जो कि आगे मिलेगा आपको, ठीक है? तो चलो दोस्त, याद हो गया यहाँ पर m बराबर माइनस भी बाई यू, प्रूफ हो गया। तो आइए अगले टॉपिक को देखते हैं, क्या है हमारा अभी कुछ देख, आ हा हा हा, नोट है 100 रुपया वाला, यू तथा एफ के पद में आवर्धन बताना है। अभी तो आपने जो आवर्धन दिखा एम बराबर माइनस भी बाई यू है, और ये भी और यू के पद में है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि यू तथा एफ के पद में सर बताइए। तो आओ यू तथा एफ के पद में, मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी, ये बाद में करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं, है ना, इसको कर लेता हूं। ओके आ जाओ, आप तो जानते इस बात को दोस्त कि 1/f बराबर 1/v+1/u होता है। क्या होता है दोस्त? u तथा f के पद में अगर तुम्हें निकालना है तो भी को खत्म करना पड़ेगा। u तथा f के पद में अगर तुमको निकालना है तो तुमको भी को करना पड़ेगा खत्म। अब भी को करोगे खत्म तो एक काम कर लो, u से दोनों तरफ गुणा करो, u से दोनों तरफ गुणा, तो करोगे तो ये हो जाएगा u बाई एफ, ये हो जाएगा u बाई भी, और ये हो जाएगा u बाई यू। समझ गए भैया? ये हो जाएगा u बाई एफ, ये हो जाएगा u बाई भी, ये हो जाएगा प्लस वन। अब देख भैया, यहाँ पे इस वन को चाहो तो इधर भेज डालो, ये हो जाएगा u बाई भी बराबर u बाई एफ घटाओ वन, माइनस वन को मैंने इधर भेज के माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे u बाई भी बराबर, इसको माइनस कर देते हैं, u माइनस एफ अब बटा में एफ, पलटा पलटी करो, पलटा पलटी कर दो, तो पलटोगे इसको ऊपर भेजोगे भी, ई हो जाएगा नीचे u, बराबर f चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर हो जाएगा u माइनस एफ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं दोस्त, दोनों तरफ अपने से माइनस दे देते हैं, यहाँ पर भी अपने से माइनस दे देते हैं, यहाँ पर भी अपने से माइनस दे देते हैं। इससे क्या होगा सर? इससे कुछ होगा, क्या होगा? माइनस भी बाई यू तुम एम लिख सकते हो, और यहाँ पर ये वाला माइनस जो तुम मिला है, एफ को एफ छोड़ दो और ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो यू माइनस एफ है वो एफ माइनस यू हो जाएगा। तो देख भैया, ये आवर्धन का एक नया सूत्र, आवर्धन का एक नया सूत्र दोस्त, आवर्धन का एक नया सूत्र। जब आपके पास एफ और यू हो, तो एफ और यू हो तो ये वाला सूत्र आप देखो, ध्यान में रखो, m बराबर f बटा f माइनस यू, m बराबर f बटा f माइनस यू, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। ये किसका निकालने का फॉर्मूला है दोस्त? डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है जब आपको f और u दिया हुआ हो। आगे क्वेश्चन शायद मिलेंगे, आप याद रखिएगा, m बराबर f बटा f माइनस यू, याद रखिएगा इस चीज को। ये तो हो गया दोस्त, अभी बच गया भी तथा f के पदों में, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो भी तथा f के पदों में कैसे निकलेगा सर? ये वाली चीज मैं डिस्कस करूंगा अभी। अभी आप देखो, आपको तो मालूम है ना 1/a बराबर 1/v+1/u, बोलो हाँ या ना, मैंने बताया है या नहीं? बताया है सर, मजा आया था सर। ओके सर, 1/v बराबर, पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा ना, ये वाली चीज प्रूफ नहीं करी ना, मां कसम बता रहे हैं दिक्कत आ जाएगी तुमको, पीछे तुरंत जाओ और पूरा का पूरा वीडियो देखो मेरे भाई, समझ रहे बात को? ओके सर, मां कसम मत दो यार, मां का क्लास में होते तो सबकी क्रिक। 1/a बराबर 1/v+1/u, आहा, भी तथा एफ के पद में दोनों तरफ भी से गुणा करो, दोनों तरफ भी से गुणा करें, करो करो, अरे करो मरे नंदलाला, करो भी बटा में भी, आज अनंत देवते की पूजा है, भी बटा में यू। ये तो आसान हो गया सर, भी बाई एफ हो गया सर, सर भी बाई भी खत्म कर, क्लास में भी बाई यू हो गया सर, एक काम करो सर, भाई भी बाई यू को भेजो इधर और भी बाई एफ को करो उधर, तो देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस भी बाई यू सर, और ये हो गया वन माइनस भी बाई, बोलो हाँ या ना, टकाटक। ओके सर, ये अब माइनस भी बाई यू एम एम, ये देख मेरे भाई, बुम एफ को इसको करोगे ना, एफ माइनस भी बाई एफ, देखो एम बराबर एफ माइनस भी बाई एफ, एम बराबर क्या फॉर्मूला तुम्हारा, जब तुम्हारे पास m बराबर f माइनस भी बाई एफ, जब f और v हो, और m बराबर f बटा f माइनस यू, ये कब? जब f और u हो। ये दोनों फॉर्मूला आप कॉपी नोट्स में एकदम बना के रख लो, क्योंकि सवाल बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलने वाला है, और तुम बता रहे ये वाला रहेगा ना, चुटकी बजाओगे आंसर आ जाएगा,
है ना। तो आओ कुछ क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं एकदम भेड़िया की तरह, समझ रहे बात को, एकदम भेड़िया बन जाते हैं और टूट जाते हैं सवाल पे। आ जाओ मेरे दोस्त, है ना, आइए। हमारे एक प्रिय मित्र हैं देवेंद्र भैया, का स्वागत है हमारे इस प्यारे से लेक्चर में। देवेंद्र भैया अगर तुम लोग नहीं पहचानोगे, देवेंद्र भैया हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज है। सर क्या क्या कर, सर आ जाओ। चार नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने दोस्त, यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। देखो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ चीजें मीन्स अगर मुझे ए फॉर यू दिया हुआ हो तो मैं काम करूंगा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। एक और चीज जब मुझे ए फॉर भी दिया हुआ हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सर जी ये वाली चीज लगा दूंगा। और कुछ चीजें, और भी कुछ चीजें होती हैं दोस्त, जैसे अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो, याद रखना वास्तविक बन रहा हो एम निगेटिव, जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो तो एम निगेटिव, जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा हो पॉजिटिव। आते हैं सर, सवाल बनाते हैं सर, मजा आएगा सर, इतना डांट डांट के पढ़ा रहे हैं सर, हम तो रो रहे हैं फोन देख के ही। अच्छा कभी क्लास में भी मिला करो भैया, स्टेशन रोड कतिड़ा में हमारा कोचिंग है, नंबर 7808205791, संपर्क करें। आइए दोस्त अभी हम एक काम करते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस वाले, क्या 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 क्या, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर सर, 10 सेंटीमीटर है सर, 10 सेंटीमीटर ले लो, ले लो सर, गंदा बात नहीं। कितना कितना कितना, 10 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, सारा ऋणात्मक होता है, सारा निगेटिव होता है, एफ निगेटिव हो जाएगा माइनस। सर इतना मत चिल्लाइए सर, सांस फूल जाएगा सर। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही सांस है, फूलेगा तो फूलेगा। आ जाओ, ए बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से कितनी पर कोई वस्तु रखी जाए, यू निकाले के बाद आ गईल वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, एम बराबर 5, और एक नंबर में दिया है कि वास्तविक होना चाहिए। भाई जी जब वास्तविक होना चाहिए तो माय लॉर्ड, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी प्रतिबिंब तुम वास्तविक बनाओगे एम को ऋणात्मक ले लेना। हाँ या ना, यस सर, पक्का। एम दे दिया माइनस 5, एफ दे दिया ये, यू निकालना है। तुमको मालूम है कि एफ तथा यू के पद में एम बराबर क्या होता है, ये वाला चीज। कॉपी देख भाई मेरे, कॉपी देख मेरे लल्ला, देखना, देख लिया सर, एम के जगह पे माइनस 5, एफ के जगह पे माइनस 10, देखो, एफ के जगह पे फिर माइनस 10, और ये यू के जगह पे, सर मुझे नहीं पता लेना है। एक काम करते हैं दोस्त, खुजुक दो मरतबा गया माइनस 5 माइनस 10। यहां पे देख लो भाई, यहां पे एक काम कर लो तुम, यहां पे क्या कर, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, तो ए हो गया आपका माइनस 10 माइनस यू बराबर 2, हो गया सर, तो माइनस यू बराबर 2, हाई माइनस 10 बा उन्हें जाई तो प्लस 10 हो जाई 12, तो यू माइनस जोन बा उन्हें भेज दो, अब तू कहो कि यू बराबर आ गई महाराज माइनस 12 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। माइनस 12 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस आता है माय डार्लिंग, यू हमेशा माइनस आता है, समझ रहे बात को, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है मेरे भाई। क्लियर है, पक्का, ठीक है, हटा दे, ओके जी सर। अभी देखो, एक क्वेश्चन हुआ ये, दूसरा क्वेश्चन बाकी है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अब की बार आभासी, और अब की बार आभासी तो एम बराबर अब की बार हो जाए पॉजिटिव में प्लस प्लस 5, और फोकस दूरी वो तो माइनस 10 ही लेना सर, और यू फिर से हमें निकालना है। मेरे लाले अब तो कुछ नहीं फंसना चाहिए तुम्हारा, नहीं फंसेगा सर, फाड़ कर रख देंगे, फाड़ ही डालो कॉपी को नहीं सवाल को, एम बराबर 5 रख लो और एफ के जगह पे माइनस 10, अब बटा में एफ के जगह पे फिर से माइनस 10 मेरे लाले, माइनस यू मुझे फिर से निकालना है, यू लाले ये हो गया माइनस 2 मेरे लाले, और यहां पर माइनस 10 माइनस यू बराबर में हो गया माइनस 2, और माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10। सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, माइनस यू भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 10 यहीं रहने दीजिए, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, और भी माइनस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो ना, माइनस 8 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि अगर आपको वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो अब की बार वस्तु को आपको प्रधान ध्रुव से
8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। तो ये दोनों, ये वाला में 12 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा और ये वाला में 8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। माइनस ये बताता है कि आपको लेफ्ट साइड में अगर ये दर्पण है इधर रखना पड़ेगा। पक्का मजा आया? चलिए दोस्त अगला सवाल में चलते हैं। तीन सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, वस्तु का आकार 3 सेंटीमीटर मतलब ओ इज 3 सेंटीमीटर ओके, 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले, अरे दिया तुमको 40 सेंटीमीटर, वो भी अवतल दर्पण है जी, कौन अवतल है तो माइनस में देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट यहीं पे कर लो ना -20 सेंटीमीटर, एफ कर लो ना -20 सेंटीमीटर, कर लिया सर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है कोई वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर पर, मैंने यू भी तुमको दे दिया -30 सेंटीमीटर ओके सर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं आकार ज्ञात करिए, दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी भी निकालते हैं। तो तुम तो जानते हो ना 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/f - 1/u, बोलो हाँ या ना। बोल दिया सर 1/v = 1/f, कहाँ है कहाँ हो कहाँ हो, -20 हो -20 हो -1/u, कहाँ हो -30 हो तो -30 हो। बबुआ जी 1/v बरोबर अगर हम कहें, अगर मैं कहूं कि लो तो लघुतम हो जाएगा 60 ना, देखो -20 बार तो 20 60 यहाँ हो जाएगा -3 है, देखो -+ आ 30 2 तो हैजा हो गए 2, तो 1/v = -1/60 अब भी निकलब तो आ जाए -60 सेंटीमीटर। तो भैया जी पहला तहार आंसर मिल गए कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सर 60 सेंटीमीटर, वो भी कहा कहता माइनस में माने लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड माइनस में जब बनी वास्तविक बनी सीधा बनी, वास्तविक बनेगा सीधा बनेगा, समझे कि नहीं। आ जाओ दूसरा सवाल देखते हैं, आकार ज्ञात कीजिए आप प्रकृति बताइए, प्रकृति भी बता दिए वास्तविक और सीधा, प्रकृति भी बता दिए तुमको वास्तविक और सीधा, एक बच गया सर आकार ज्ञात कीजिए। अरे भाई यहां पे देख लो आकार भी तुमको धड़ाक से बता देते हैं, आकार भी तुमको धड़ाक से बता देते हैं, m = -v/u और m = i/o। लल्ला एक काम कर लो, -v कितना बा, -v = -60 है जब -60 ले लो, यू कितना बा -30, ये हो गया -30। आई हमारा पता करे के बा, आई हमारा का करे के बा पता, ओ कितना बा 3, तो हई देखो ना माइनस हई माइनस खत्म आ गइल -2, तो आई बराबर हो गइल -6 सेंटीमीटर, माने जो आपका आकार आएगा वो 6 सेंटीमीटर का आएगा, माइनस ये बता रहा है कि उल्टा बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, बोलिए हाँ या ना। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर, आकार 6 सेंटीमीटर और प्रकृति वास्तविक और सीधा, क्लियर है तो छाप लो। चलिए दोस्त तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में और देखते हैं कितनी ताकत है अगले वाले सवाल में, देखते हैं मजा आता है कि नहीं आता। अगर मजा आ रहा हो ना तो एकदम नीचे कमेंट एकदम होना चाहिए, एकदम दिल खोल के कमेंट होना चाहिए कि सर ऐसा लगा, कमेंट कैसा कर रहे हो कौन सा लैंग्वेज है डजंट मैटर, कमेंट होना चाहिए, मजा आए मिजाज गदगदा गोइल प्यार हो गई, ऐसा नहीं कमेंट की पढ़े वालों को मिजाज झंझना जाओ, समझ रहे हो बात को एकदम, ये इस तरह से समझ में आना आया हो एकदम दिल खुश हो गया तो कमेंट से मेरा दिल खुश हो जाना चाहिए, और लाइक करो सब्सक्राइब करो और इतना शेयर करो ना कि कहीं का बच्चा हो अगर तुम्हारे अगल बगल का हो तुम्हारे जानकारी का हो सारे लोग वीडियो देखें, सारे लोगों को पसंद आए, सारे लोग कमेंट करें, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए दोस्त सर प्रमोशन कर रहे हैं, अरे प्रमोशन नहीं करेंगे रे, प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा बताओ तुम लोग। तीन सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्त, 3 सेंटीमीटर लंबी मतलब वस्तु वो जो है 3 सेंटीमीटर की हो गई, अच्छा सर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एफ जो है कितना है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, आ गइल बड़ा उत्तल पर कूदत रहो उत्तल पर, अब उत्तल आ गइल कूदो कूदल जाई प्लस में बा कुछ नहीं करे के बचा एकदम मंजे देख सम्मुख दर्पण 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, कहां रखी है 60 सेंटीमीटर, अरे बबू उत्तल चाहे उत्तल ओके तो नेगेटिव में होई, ठीक बस और
अच्छा सर, पृथ्वी की प्रकृति, स्थिति और आकार सब बताओ एक बार सर। पहले भी बताइए ना सर, आओ ना भी बता दो कुछ उपाय सब मेरे बुधवाक कुछ नहीं क्या। वन बाई एफ प्लस वन बाई भी, वन बाई यू, वन बाई एफ, हमारा भी निकालने के बाद हम जल्दी जल्दी हंसी हंसी गोड लेम, आज जल्दी जल्दी में हंसी हंसी निकाल लेम। निकाल लेम कि ना, निकाल लेम कि ना, बोलो। निकाल लेम सर, डांट दिए छोड़ो, डांट के छोड़ो। वन बाई बोलो, वन बाई तीस माइनस वन बाई यू बोलो, ये माइनस प्लस साठ हो जाएगा। हे माइनस वाई तेल देनी सीधे, हाँ 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 समझ गया समझ गया सर समझ गया सर। ये हो गया साठ, ये हो गया टू प्लस वन, ये हो गया थ्री बाई सिक्सटीन और ये हो गया वन बाई ट्वेंटी। तो हमारा जो भी आ गया ना वो प्लस में आ गया 20 सेंटीमीटर। अब जब प्लस में आ गया ना, ये प्रतिबिंब की प्रकृति आ गया प्लस में आ गया मतलब आभासी और सीधा बनेगा। तो प्रकृति देख लो, पहले ही मैं बता देता हूं, आभासी सीधा नो डाउट। दूसरा स्थिति सर 20 सेंटीमीटर दहिने अलंग, कहने अलंग दहिने अलंग दहिने अलंग। आकार सर, अरे दादा आओ निकाल लेते हैं आकार भी। कितना निकालना है, कितना निकालना है, निकालते हैं कोई बात नहीं। m बराबर होता है माइनस v बाई u, m बराबर कितना होता है माइनस v बाई u। माथा झंझना गुले के लेकर सवाल बनाओ बनाओ भाग। m बराबर m m m m m m माइनस v बाई u, m का फॉर्मूला और बोलो आई बनाओ मलामोन माइनस v बाई। अच्छा आ जाओ, कुछ नहीं आई निकालना है आई, वो कितना बा तीन माइनस 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 यू कितना बा बीस, अब आटा में यू कितना यू कितना बा यू कितना बा माइनस साठ माइनस साठ माइनस माइनस खत्म आई बीस तीन साठ। माय लॉर्ड आई बटा तीन बराबर एक बटा तीन, तीन से तीन गोइल अचार डाले आई बराबर आ गोइल एक सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज का साइज होगा मेरे प्यारे भाई वो एक सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आकार जो आ जाएगा एक सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, एक सेंटीमीटर प्लस में आ रहा मतलब ऊपर बन रहा होगा, सीधा बन रहा होगा। अब देखो मैंने बोला था आभासी और सीधा, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था, आया कि नहीं आया, सबका आया, आ गया सर देख लो आया था। सारे सवाल बनाने के पहले पहुंच करके जो है ना करो, समझ रहे बात को। तो ये आपका आवर्धन का पूरा कंसेप्ट क्लियर जो ट्वेल्थ बोर्ड में आने वाले हैं, आगे भी हम लोग सवाल करेंगे मजेदार मजेदार। तो ये आप लोगों की समझ पर है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये पूरा लेक्चर आपको आप लेक्चर से प्यार कर बैठे हो, तो एक काम मेरे लिए कर दो, पूरा का पूरा एकदम फैला दो इस वीडियो को, इतना लोगों के पास फैला दो कि जिन लोगों को लाइट प्रकाश समझ में ना आ रहा हो घर बैठे पूरा लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।